हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7। सब्जेक्ट का नाम है भारत की महान विभूतियाँ और चैप्टर है हमारे पास 7। चैप्टर का नाम है महाराजा अग्रसेन। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में चैप्टर 7 का सॉल्यूशन कराऊंगी। अगर आपको इससे पहले चैप्टर का सॉल्यूशन देखना है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं। मैंने इससे पहले सभी चैप्टर का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। तो शुरू करते हैं हम 7 चैप्टर का सॉल्यूशन। देखो, इसमें है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अग्रोहा में बसने आए नवागंतुक को सभी के द्वारा एक मुद्रा और एक ईंट क्यों दी जाती थी? क्यों दी जाती थी? तो देखो, अग्रोहा राज्य में बसने आए नवागंतुक को सभी नागरिकों द्वारा एक मुद्रा और एक ईंट इसलिए दी जाती थी ताकि राज्य में नया आने वाला व्यक्ति राज्य में सुख शांति से रह सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको। उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है, महाराजा अग्रसेन ने यज्ञों में होने वाली किस प्रथा को रुकवा दिया था? इसके स्थान पर क्या प्रथा प्रचलित कराई? ठीक, तो देखो इसका आंसर है, महाराज अग्रसेन ने यज्ञों में होने वाली पशुबलि प्रथा को रुकवा दिया। इसके स्थान पर नारियल को ही इन्होंने यज्ञ की पूर्णाहुति का साधन बनाया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। तो देखो, आ है अश्वमेघ यज्ञ में कौन सा पशु विश्व विजय के प्रतीक स्वरूप छोड़ा जाता था? कौन सा पशु? बैल, घोड़ा, भैंसा या गधा? तो कौन सा पशु छोड़ा जाता था? घोड़ा। ठीक है, कौन सा पशु? घोड़ा को छोड़ा जाता था, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है हमारे पास बा, इसमें क्या है, महाराजा अग्रसेन ने कौन सा नया नगर बसाया था? कौन सा नया नगर बसाया था? गंगोहा, अग्रोहा, वेदेहा या सोरहा? कौन सा? अग्रोहा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, आ है हमारे पास, महाराजा अग्रसेन के राज्य में का कोई स्थान नहीं था। किसका? न्याय का, हिंसा का, संपत्ति का या सुख का? किसका स्थान नहीं था? हिंसा का। ठीक है, किसका? हिंसा का। उसके बाद है, अग्रोहा स्थान वर्तमान में किस राज्य में? दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र या हरियाणा? किस में है? हरियाणा, हरियाणा। उसके बाद अग्रवंशजों के विवाह में के प्रयोग की आज भी परंपरा है। किसकी? छत्र व दंड, छत्र व चंवर, चंवर व दंड या छत्र व मुकुट? किसकी? छत्र व चंवर। ठीक है, छत्र व चंवर। ठीक, छत्र व चंवर। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, अपने शिक्षक शिक्षिका से पता कीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हो किसे कहते हैं? गणतंत्र का क्या तात्पर्य है? ये आपको अपने स्कूल के अध्यापक से पता करना है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही पता करना है। तो मैंने आपको चैप्टर 7 का सॉल्यूशन करा दिया है अपनी इस वीडियो में। आपको चैप्टर 7 का सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद अगला चैप्टर है हमारे पास 8। चैप्टर का नाम है महावीर स्वामी। इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे हम अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।